मूलांक चार वालों का भाग्योदय कब होता है और कब आपको अपने कैरियर में सक्सेस मिलेगी, मैरिज कब होगी, लव लाइफ कैसी होगी, फाइनेंस कैसा होगा और कब आपका भाग्योदय होगा, ये तो आप जरूर जानना चाहते हैं। लेकिन मूलांक चार वालों का भाग्योदय आखिर होता कब है? अगर आप नहीं जानते हैं मूलांक चार कैसे बनता है तो मैं बता देता हूं कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक होगा 4। और मूलांक 4 को जो रूल करने वाला प्लेनेट होता है वो होता है राहु ग्रह। राहु अर्थात दिमाग की ताकत। जो मूलांक 4 वाले व्यक्ति होते हैं इनके जीवन में सडनली घटनाएं घटती हैं, इन्हें सफलता भी मिलेगी तो अचानक से मिलेगी और अगर प्रॉब्लम्स आएंगी तो भी अचानक से आएंगी। इन्हें पता ही नहीं लगता है कि आखिर ये प्रॉब्लम इनके साथ कैसे हो गई, और जब इन्हें सफलता मिलती है ना तो भी इन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। सारी चीजें अचानक इनके जीवन में आती है, अच्छी जॉब का ऑफर आएगा, अच्छा रिश्ता आ जाएगा, अच्छी मैरिड लाइफ इनकी होगी, मैरिड लाइफ में भी सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन अचानक से बिगड़ने भी लग जाता है। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है राहु। राहु अर्थात दिमाग। मूलांक चार वाले जातकों की दिमाग का तोड़ नहीं होता है। इनकी रणनीति, इनकी राजनीति के आगे दुनिया की सारी नीतियां फेल है। ये अपने दिमाग से जिस तरह से सोचते हैं उस तरह से दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं सोच सकता है। अगर इनकी किसी से दुश्मनी हो जाए तो ये उस व्यक्ति को कभी भी माफ नहीं करते, और चाहे इनका सब कुछ बर्बाद हो जाए लेकिन उसकी बर्बादी में कसर भी नहीं छोड़ते हैं। मूलांक चार वाले जो जातक होते हैं इनकी रणनीति का, इनकी दिमाग की बौद्धिक क्षमता वास्तव में अद्वितीय होती है। जिस जगह लोगों की सोच खत्म हो जाती है उस जगह से सोचना प्रारंभ करते हैं। जहां लोगों को जाने में बहुत डर लगता है, जो काम करने में बहुत ज्यादा उन्हें डर लगता है, ऐसा काम ये चुटकी में कर देते हैं। इन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। जिस काम में ये हाथ डालते हैं ना, जब दुनिया का कोई व्यक्ति उसे नहीं कर सकता है तो इसे ये कर लेते हैं। और ऐसे जो जातक होते हैं इनके जीवन में शांति नहीं होती, ये कभी शांति से बैठ नहीं पाते। इन्हें लगातार कुछ ना कुछ दिमाग में फंडे आते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ काम इनके दिमाग में चलता ही रहता है। शैतान का दिमाग होता है इनका, ये कभी खाली नहीं बैठ सकते। अगर खाली बैठ भी गए तो काम ढूंढेंगे कि क्या करूं मैं, कुछ ना कुछ तो इनको होना करने के लिए, ऐसा हमेशा इनके साथ होता है। लेकिन भाग्योदय कब होगा भाई, जीवन में कब सफलता मिलेगी, कब अच्छा पैसा कमाओगे आप, तो मैं आपको बता देता हूं इनका जो भाग्योदय का समय है वो भी बहुत ही कम होता है, और बहुत कम समय में इन्हें सक्सेस के लिए मेहनत करने की जरूरत होती है। अगर आपका मूलांक 4 है, आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो आपका भाग्योदय का सबसे ज्यादा अच्छा समय होता है 20 से 22 साल। 20 से 22 साल में आपको सक्सेस मिल ही जाती है। इस समय आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, जॉब, करियर के विषय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समय माना जाता है। जब आप सक्सेस होने लग जाते हैं, आपको अच्छा जॉब मिल जाता है, अच्छा पार्टनर मिल जाता है, करियर में सक्सेस मिलती है, प्रमोशन मिल जाते हैं, फाइनेंस के मामले में बहुत अच्छे हो जाते हैं आप, तो 20 से 22 साल। लेकिन अगर इस साल में अगर आपका भाग्योदय नहीं हुआ है तो फिर 29 से 31 साल में आपका भाग्योदय होगा। ये आपके जीवन के बहुत इंपॉर्टेंट साल माने जाते हैं जब आपको सफलता मिलती है। तो इस समय में आपको मेहनत करने की जरूरत है, सही डिसीजन लेने की जरूरत है, सक्सेस आपको 100% मिल जाएगी इस समय में। तो ये आपके जीवन के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना खाना और पीना है। इस समय को अगर आप लापरवाही से निकालेंगे तो सक्सेस मिलने से रह जाएंगे। बहुत ध्यान रखना है आपको इस समय का कि आपको अपने जीवन में सक्सेस के लिए निश्चित समय पर मेहनत करने की जरूरत है। आपके जीवन में टाइम की बड़ी वैल्यू है। अगर आप समय से चीजों को नहीं समझेंगे तो सफलता से वंचित रह जाएंगे, सफलता कोसों दूर निकल जाएगी आपसे। कहते हैं ना कि किस्मत हर बार धोखा देती है, केवल एक बार हाथ थामती है।
तो ये वही समय है आपके लिए जब किस्मत का एक किक आपको सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको यहां पर हमेशा ऐसा ही ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा और अंक ज्योतिष से संबंधित ज्ञान मिलता रहता है। जय महाकाल, हर हर महादेव।